Welcome back to this channel, Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video, we will cover question number 2 to question number 10 of 2.1 exercise of application of derivative, chapter 2 of Maths 2 of Maharashtra State Board new syllabus. So let's get started. Okay, before we start solving questions, let us try to understand some of the very basic concepts from pair of straight lines. So first concept is, आपको पता है कि अगर दो line parallel है, दो line parallel है तो दोनों line का slope भी same रहता, okay? If two lines are parallel, then their slope is equal, okay? So this is first point. Second point is, अगर suppose दो line perpendicular है, okay? दो line perpendicular है, तो दोनों के slope का product minus one होता, right? अगर सपोज अपने को m2 फाइंड करना है तो m2 होएगा माइनस वन अपॉन m1, ओके. एंड थर्ड पॉइंट इज, अगर सपोज कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू जीरो ऐसे फॉर्म में है और अपने को स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप क्या होएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y b, ओके. सो दीज आर द थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच यू मस्ट नो in order to solve the problems. Okay, so let's get started with the problem. Okay, so let us start the second question. Question is, find the point on the curve y equals to root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equals to 0. ठीक है, अपने को एक कर्व देकर है, एक कर्व का इक्वेशन भी देकर है, y equals to root x minus 3. ठीक है, अभी ये कर्व को देखो, ये टेंजेंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा, तो ये पॉइंट अपने को निकालना है. ऑलराइट, और अपने को बोलकर है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. ये टेंजेंट है ना, ये वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, और जो लाइन से परपेंडिकुलर है ना, उसका अपने को इक्वेशन भी देकर है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. काफ़ी सिंपल है. सबसे पहले आप जो लाइन का इक्वेशन देकर है ना, वो लो. इक्वेशन ऑफ लाइन इज 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. तो स्लोप क्या होएगा ये लाइन का, अपने को पता है स्लोप कैसा फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई. सो ये हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन थ्री. माइनस सिक्स अपॉन थ्री इज माइनस टू. तो ये अपने को स्लोप ऑफ दिस लाइन आया. ठीक है, अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होएगा, टेंजेंट इससे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल. सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, to this line, slope of tangent is minus 1 upon m1. So minus 1 upon minus 2. So minus minus cancel, m2 आ गया 1 by 2. Okay? That means slope of tangent कितना आया? 1 by 2. Okay? अभी ना आपको equation of curve लेना है. Equation of curve क्या है? Y equals to root x minus 3. इसको आप differentiate करो. So differentiating with respect to x, y का होगा dy by dx. ये रूट एक्स के फॉर्म में, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 3. ठीक है, अभी रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव लो. एक्स का डेरिवेटिव होएगा 1 माइनस 3 कॉन्स्टेंट 0. ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स अपने को आया 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 3. ऑलराइट, अभी अपने को पता है कि कर्व का जो भी डेरिवेटिव आता, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. राइट, तो ये जो dy by dx आया, इसको मैं equals to m2 लिख सकता. m2 मतलब slope of tangent, right? dy by dx equals to m2. dy by dx क्या है? 1 upon 2 root x minus 3 equals to m2. slope of tangent क्या आया? 1 by 2. So ये 1 by 2. Okay? अभी ये 2 को आप cancel कर दो. तो ये root x minus 3 इधर चल जाएगा. तो root x minus 3 equals to 1. ठीक है, अभी आप इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 1. तो x हो जाएगा 1 प्लस 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4. ठीक है, अपने को x की वैल्यू आ गई, अपने को ये पॉइंट फाइंड करने थे, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, y बचा. तो जो x इक्वल्स टू 4 आया ना, उसको आप कर्व में पुट कर दो. पुट x इक्वल्स टू 4 इन द कर्व इक्वेशन, y इक्वल्स टू रूट x माइनस 3, x की जगह पे 4 पुट कर दो. तो रूट 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1. रूट वन क्या होता, रूट वन इज वन, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू वन. देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर 4, 0. एक्स 4 आया और वाई 1 आया. ठीक है, काफी सिंपल था. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड क्वेश्चन.
Find the points on the curve y equals to x cube minus 2x square minus x, where the tangents are parallel to 3x minus y plus 1 equals to 0. ठीक है, tangents मतलब there are more than one tangent. ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन देकर है, ये कर्व मैंने ड्रॉ किया और ये कर्व का इक्वेशन अपने को देकर है, अपने को फाइंड क्या करना है, ये दो टेंजेंट्स है ना, ये टेंजेंट्स के जो पॉइंट है, जो पॉइंट पे ये मीट हो रहे हैं कर्व के साथ में, ये पॉइंट्स फाइंड करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट. ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देकर है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन, ये दोनों भी टेंजेंट है ना, वो एक लाइन से पैरेलल है, सपोज ये वाली लाइन से वो पैरेलल है. ठीक है, और ये पैरेलल लाइन का अपने को इक्वेशन भी देकर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ दिस पैरेलल लाइन. इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज 3x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सबसे पहले आप ये लाइन का स्लोप फाइंड करो, सो स्लोप हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. सो माइनस 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 1. सो माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज 3. तो m1 3 आया, मतलब स्लोप ऑफ ये पैरेलल लाइन 3 आया. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा, अपने को पता है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द स्लोप्स आर इक्वल, है ना. तो स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स ये दोनों भी टेंजेंट्स के स्लोप को आप एम टू कॉल करो, क्योंकि सेम रहेगा दोनों का स्लोप. सो एम टू इक्वल्स टू एम वन. ओके, एम टू इक्वल्स टू एम वन. सो एम टू भी हो जाएगा 3. ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आर 3. अभी नाउ टेक द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व. कर्व का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स. ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करो. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में. तो 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज 1. सो माइनस 1. ओके, सो ये अपने को डेरिवेटिव आया. अभी अपने को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कर्व इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना. तो अपन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम टू बोल सकते हैं. ठीक है, एम टू इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, अभी डी वाई बाई डी एक्स अपने को क्या आया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और एम टू क्या आया 3, यहाँ पर 3 पुट कर दो. ठीक है, 3 को लेफ्ट हैंड साइड ला लो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12. सो फैक्टर हो जाएंगे माइनस 6 प्लस 2. ठीक है, माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4 एंड माइनस 6 इंटू 2 इज माइनस 12. ओके, सो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x, और यहाँ पे बचेंगे x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लो, इधर भी x माइनस 2 बचा इक्वल्स टू 0. अभी x माइनस 2 कॉमन लो, तो इधर बचेंगे 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. दोनों को भी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 दे दो, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो x हो जाएगा माइनस 2, इधर जाएगा तो 2, और ये 3x इक्वल्स टू माइनस 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3. ठीक है, सो x की अपने को दो वैल्यू आई, 2 एंड माइनस 2 बाई 3, क्योंकि यहाँ पे दो टेंजेंट्स है तो दोनों भी पॉइंट अलग अलग आएंगे, है ना. तो ये पॉइंट का अपने को x कोऑर्डिनेट आया, अभी y कोऑर्डिनेट मिलने का है. तो ये x की जो दो वैल्यूज है ना, उसको आप कर्व में पुट करो. ठीक है, कर्व के इक्वेशन में पुट करो. पहले अपन x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं. ओके, तो x की जगह पे 2 पुट करो, तो ये 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2. 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 इज 0, 0 माइनस 2 इज माइनस 2. तो y की वैल्यू आपको माइनस 2 आई. ऑलराइट, अभी आप क्या करो, x की जगह पे माइनस 2 बाई 3 पुट करो. ओके, सो माइनस 2 बाई 3 होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 बाई 3 स्क्वायर माइनस माइनस 2 बाई 3. ओके, अभी माइनस 2 बाई 3 क्यूब क्या होता, क्यूब है इधर, तो ये माइनस 8 होएगा. ठीक है, 3 क्यूब इज 27, माइनस 2 स्क्वायर इज 4 अपॉन 9, और ये 2 एज इट इज माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 9 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बाई 3. ऑलराइट, फिर ये हो गया माइनस 8 अपॉन 9, ये माइनस 8 अपॉन 27 माइनस 8 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 3. अभी आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3, 9, 27, तो 27 एलसीएम हो जाएगा. माइनस 8 एज इट इज, 9 कितने ज़्यादा, 27, 3 ज़्यादा, पर 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 24, 3 कितने ज़्यादा, 27, 9 ज़्यादा, 9 टू ज़ा 18. ऑलराइट, सो माइनस 8 माइनस 24 इज माइनस 32,
right? Minus 32 plus 18 is minus 14, correct? So ये आया अपने को y equals to minus 14 upon 27, ठीक है? So this is the value of y. So अपने को क्या फाइंड करना था? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. तो ये दो पॉइंट्स फाइंड करना था, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2, 2, -2 एंड -2/3, -14/27, ठीक है? 2, -2 एंड -2/3, -14/27. इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है? तो ये कर्व है, सपोज ये कर्व है, ये कर्व के दो टेंजेंट्स देकर है, ठीक है? टेंजेंट्स है, तो ये दो जो टेंजेंट्स है ना, इसका अपने को इक्वेशन निकालना है, ठीक है? अपने को और बोलकर है कि विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो टेंजेंट्स है दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? तो कैसा करेंगे, देखो अपने को टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है. तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं अपन. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? ऑलवेज रिमेम्बर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, ओके? सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, एम एन इक्वल्स टू 0 लिख दो. तो अपने को पता है टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल. सो स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू एक्स एक्सिस क्या होगा? वो एम टू इक्वल्स टू 0, ठीक है? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स को एम टू कॉल करो, सो एम टू भी 0 हो गया. ऑल राइट, नाउ टेक द इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. देखो ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, एक्स वाई मिक्स मिक्स है. तो सबका डेरिवेटिव लो बिंदास. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y, वाई का डेरिवेटिव इज dy/dx, माइनस 2x का डेरिवेटिव इज 2, माइनस 4y का डेरिवेटिव इज -4y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, प्लस 1 इज कॉन्स्टेंट, सो 0 इक्वल्स टू 0. ओके, अभी dy/dx वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड लो, बाकी को राइट हैंड साइड भेजो. तो ये हो जाएगा 2y -4 dy/dx कॉमन लिए इक्वल्स टू, ये 2 को इधर भेजें, सो 2 -2x. ऑल राइट, सो dy/dx अपने को आया, ठीक है? यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए, तो इधर बचा 1 -x अपॉन ये 2y -4 है ना, इसको आप इधर लेकर जाओ, इसमें से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं. तो 2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा y -2. ऑल राइट, ये 2 2 कैंसिल कर दो, तो dy/dx आया 1 -x अपॉन y -2. अभी अपने को पता है कि कर्व का डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, राइट? सो dy/dx इक्वल्स टू m2 लिख सकते हैं अपन. dy/dx क्या आया? 1 -x अपॉन y -2 इक्वल्स टू m2 क्या है? 0. ऑल राइट, तो ये y -2 इधर जाएगा, तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, सो 1 -x इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1, ठीक है? x की वैल्यू आ गई. अभी अभी आप क्या करो, x की वैल्यू कर्व में पुट करो. तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 पुट कर दो, तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 1 स्क्वायर इज 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 और 1 प्लस 1 इज 2, सो माइनस 2 प्लस 2 इज कैंसिल 0. ओके, सो वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसमें से आप y कॉमन ले लो, तो y कॉमन ले लिए, तो y माइनस 4 बचा, y इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अभी आप ये 0 दोनों को भी दो, y इक्वल्स टू 0 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ओके, तो y इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू आई इधर 4, ठीक है? सो y की दो वैल्यू आ रही है अपने को, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 4, ठीक है? अपने को पॉइंट्स फाइंड नहीं करना था, यहाँ पर x आया और यहाँ पे y के पॉइंट्स आए हैं ना, कोऑर्डिनेट्स आए, बट अपने को पॉइंट्स नहीं, अपने को तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना था, ठीक है? अभी यहाँ पर ध्यान दो आप, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे यहाँ पर ने. और वाई एक्सिस का क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है? सो एक्स एक्सिस का होता है वाई इक्वल्स टू 0, तो उसकी पैरेलल लाइन है, उसका भी ऐसा ही इक्वेशन होएगा, वाई इक्वल्स टू कुछ तो भी है ना. तो यहाँ पर जो अपने को आया वाई इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू 4, दिस इज नथिंग बट इट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ऑल राइट, देयर फोर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर वाई इक्वल्स टू 0
and y equals to 4. Okay, so y equals to 0 or y equals to 4, these are the required equation of the tangents. Okay, abhi aap, if you look at the diagram, it is not appropriate, it is not proper as per the answer. Y equals to 0 matlab ye x-axis pe aana chahiye. Okay, but this diagram is just for your understanding. Alright, I hope the problem is very clear. Okay, now let us look at the fifth problem. Okay, it is very important problem. Find the equations of the normals to the curve 3x square minus y square equals to 8, which are parallel to the line x plus 3y equals to 4. Okay, find the equations of the normals. सबसे पहले आप समझते कि normal होता क्या? ठीक है, जो tangent रहता, tangent को जो line perpendicular रहती है, उसको आप normal बोलते हैं. ठीक है? So यहाँ पे क्या बोले? Find the equations of the normals. मतलब normals मतलब दो normal रहेंगे. ठीक है, दो नॉर्मल है तो फिर दो टेंजेंट रहेंगे अपने. ये कर्व आपने ड्रॉ किए, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए और टेंजेंट्स को दो लाइन परपेंडिकुलर रहेंगे, तो ये दो नॉर्मल्स का अपने को इक्वेशन निकालना है. ऑलराइट, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर. ठीक है, और ये जो नॉर्मल्स है ना, ये एक लाइन है उससे पैरेलल है. ठीक है, और ये जो लाइन है ना, उसका अपने को इक्वेशन देकर है. Alright, so this is the question. So let's start. This time let's start with the equation of curve. Equation of curve is 3x square minus y square equals to 8, differentiated with respect to x. So ye ho jayega 6x, theek hai, power idhar aayega 6x minus 2y, y ka derivative hoega dy by dx equals to 8 is constant, so constant ka derivative is 0. माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स को आप इधर लिखो, सिक्स एक्स को इधर लेकर जाओ, तो ये माइनस सिक्स एक्स हो गया. सो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस सिक्स एक्स अपॉन माइनस टू वाई, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा टू वन जा सिक्स थ्री जा, तो थ्री एक्स अपॉन वाई. ठीक है, तो ये अपने को डेरीवेटिव ऑफ कर्व आया. अभी अपने को पता है कि डेरीवेटिव ऑफ कर्व इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 3x upon y. Alright? ठीक है, अभी अपने को slope of tangents, ये जो tangents था उसका slope आया, तो slope of normal क्या होएगा? Normal perpendicular है, तो slope of normal होएगा minus 1 upon 3x upon y. ठीक है, negative reciprocal होता, तो slope of normal को आप m call करो, क्योंकि अपने को normal निकालना है ना, तो normal के slope को m call करो, तो m equals to ये y ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया minus y upon 3x. ठीक है, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल आया, अपने को नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है. अभी बस स्लोप आया नॉर्मल का, पॉइंट भी आने का बाकी है. ठीक है, नाउ अभी ये जो पैरेलल लाइन अपने को देकर है ना, उसका इक्वेशन लो. तो उसका इक्वेशन क्या है? गिवन लाइन इज एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर. इसका आप स्लोप निकालो, तो स्लोप क्या होता है इसका? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सो एम टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री. ओके, अभी अपने को पता है कि ये लाइन और ये जो नॉर्मल है ये पैरेलल है, तो तीनों का भी स्लोप सेम रहेगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन अपन बोल सकते हैं, है ना. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? माइनस वाई अपॉन थ्री एक्स, ये आया अपने को कर्व के इससे, तो यहाँ पर लिखो माइनस वाई अपॉन थ्री एक्स, और स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या है? माइनस वन अपॉन थ्री. ठीक है, ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे y है, x को आप इधर लेकर जाओ, सो x इंटू वन इज x, सो y इक्वल्स टू x. ठीक है, ये अपने को एक कंडीशन आई. ऑलराइट, अभी y इक्वल्स टू x आप कर्व के इक्वेशन में पुट करो. ओके, तो y इक्वल्स टू x अपन कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे, y के जगह पे आप x पुट करो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 8. 3x square minus x square is 2x square equals to 8. So x square equals to 8 divided by 2 is 4. So x ho jayega plus or minus 2. Okay, so we got two values of x, plus 2 and minus 2. Okay, abhi jab, suppose apan x ki jagah pe apan 2 put karenge, to y kya hoega? 2. So if x equals to 2, then y equals to 2. X ki jagah pe minus 2 put karenge, to y bhi minus 2 aayega. If x equals to minus 2, then y equals to minus 2. तो ये अपने को पॉइंट्स ऑन कर्व आ गए, 2, 2 एंड -2, -2. ठीक है, अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया और पॉइंट्स भी आ गए,
तो अभी आप है नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. ओके, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इज वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है, एक्स वन वाई वन क्या होएगा? सबसे पहले ना आप ये वाले पॉइंट लो, 2,2 लो. ओके, क्योंकि यहाँ पे दो टाइम दो नॉर्मल्स है ना, तो पहले ये वाला पॉइंट लो आप, 2,2 लो. सो फॉर 2,2 एक्स वन की जगह पे 2 पुट करो, वाई वन की जगह पे 2, और एम की जगह पे स्लोप क्या आया था अपने को? -1/3. ठीक है, ये -1/3 स्लोप ऑफ लाइन था उसका, उसका जो इसका जो स्लोप है ये नॉर्मल का स्लोप रहेगा. तो ये वाला स्लोप लो, ये वाला मत लेना क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है ना, प्रॉपर नहीं है ये, तो ये वाला लेना -1/3. ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. वाई माइनस वाई वन की जगह पे 2 इक्वल्स टू एम की जगह पे -1/3, एक्स माइनस एक्स वन की जगह पे 2. ऑलराइट, 3 को आप इधर ले लो तो ये हो जाएगा 3y-6. ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो -x+2. इसको आप अरेंज करो, -x इधर आ गया. ठीक है, ये पूरे को आप लेफ्ट हैंड साइड ला लो तो ये हो जाएगा x+3y-6-2 इज -8=0. ठीक है, सो ये अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया. ठीक है, नाउ फॉर पॉइंट -2,-2. ठीक है, अभी आप एक्स वन की जगह पे -2 पुट करो और वाई वन की जगह पे -2, स्लोप सेम रहेगा -1/3. ठीक है, सो ये हो जाएगा y+2. ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3y+6 इक्वल्स टू, ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले ये x+2 होएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x-2 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ला लो तो ये हो जाएगा x+3y, 6+2 इज 8. सो दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, सो दिस एंड दिस, दीज आर टू इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, वही अपने को फाइंड करना था. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 था, ये काफ़ी सिंपल है. इफ़ द लाइन वाई इक्वल्स टू 4x-5 टचेज द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एट द पॉइंट 2,3, फाइंड ए एंड बी. ठीक है, सो कर्व, ये कर्व का अपने को इक्वेशन देकर है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी. ठीक है, इफ़ द लाइन वाई इक्वल्स टू 4x-5 टचेज द कर्व, ये कर्व को एक लाइन टच हो रही, मतलब ये टेंजेंट का भी इक्वेशन अपने को देकर है. वाई इक्वल्स टू 4x-5 कर्व का इक्वेशन देकर है, टेंजेंट का इक्वेशन देकर है, और ये टेंजेंट जो पॉइंट पे टच हो रहा कर्व को वो पॉइंट भी देकर है 2,3. ठीक है, सो सब कुछ देकर है ना अपने को, कर्व का इक्वेशन देकर है, टेंजेंट का इक्वेशन देकर है, पॉइंट भी देकर है. फाइंड क्या करना है? फाइंड ए एंड बी. ठीक है, अभी ए एंड बी क्या है? देखो कर्व का जो इक्वेशन है उसमें ए और बी है ना वो मिसिंग है, तो अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है. ऑल राइट, सो काफ़ी सिंपल है ये. सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करो. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने को देकर है वाई इक्वल्स टू 4x-5. इसको प्रॉपर अरेंज करो, 4x-y-5=0. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्लोप क्या होएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सो -4/-1. सो स्लोप आ गया 4. ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को आया 4. ऑल राइट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था ना, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे से आपने स्लोप निकाले तो स्लोप आया 4. इसको आप इक्वेशन 1 दो. नाउ टेक द इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो वाई स्क्वायर का होएगा 2y, वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब. ठीक है, ए जो है वो कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x², तो 3 को आप सामने लिखो, 3ax², ऑल राइट, प्लस बी, बी इज कॉन्स्टेंट. ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 3ax² / 2y. ठीक है, तो ये क्या आया अपने को? स्लोप ऑफ कर्व, सॉरी ये अपने को आया डेरिवेटिव ऑफ कर्व. ठीक है, अपने को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कर्व, अच्छा अपने को यहाँ पर पॉइंट्स भी देकर है ना, सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट 2,3. ठीक है, सो ये क्या है? 3x² / 2y है, तो यहाँ पर आप x के जगह पे 2 पुट करो और y के जगह पे 3 पुट करो. ठीक है, पॉइंट्स भी देकर है तो अपने को यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट करना है और y के जगह पे 3,
तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 a अपॉन 2 इंटू 3 इज 6, 6 वन ज़ा 12, 2 ज़ा, सो m इक्वल्स टू 2 a आया। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट 2,3 अपने को 2 a आया, और अपने को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कर्व एट सर्टेन पॉइंट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन ने m इक्वल्स टू 2 a लिखे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को 2 a भी आया और 4 भी आया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का अपन कंपेयर कर सकते हैं, तो m m है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 a इक्वल्स टू 4, तो a हो जाएगा 4/2, तो a हो गया 2। ठीक है, 4/2 इज 2, a और b की वैल्यू फाइंड करना था तो a अपने को 2 आ गया। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2 इन इन द कर्व इक्वेशन, पुट a इक्वल्स टू 2 इन कर्व, y स्क्वायर इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b। ठीक है, अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर सपोज आप इसमें a की वैल्यू डाल देंगे फिर भी आपको b की वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब और y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने को यहाँ पे पॉइंट देकर है ना 2,3, है ना, तो यहाँ पे आप x के जगह पे 2 डालो, y के जगह पे 3 डालो और a की वैल्यू भी डालो, तभी आपको b की वैल्यू आएगी। ओके, सो y के जगह पे आप 3 डालो, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू a के जगह पे 2, x के जगह पे 2, सो ये 2 क्यूब प्लस b। ओके, नाउ 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, तो b हो जाएगा 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 इज -7, तो b की वैल्यू आई -7। a और b की वैल्यू फाइंड करना था तो a इज 2 एंड b इज -7। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, अभी तक के अपन जो प्रॉब्लम सॉल्व किए इट वर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री। ठीक है, बट अभी अपन जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें ज्योमेट्री तो रहेंगे ही, बट डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ मेजर ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपन देखेंगे। ओके, अभी रेट ऑफ मेजर क्या होता ये अपन प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। ऑलराइट, तो देखो ये कर्व दे करे अपने को, कर्व का इक्वेशन है 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, अपने को कर्व पे एक पॉइंट निकालना है एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पॉइंट है तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा बोले, तो ये इसका मतलब क्या है। देखो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। ऑलराइट, तो इसको ना अपन डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, डी वाई मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, सो कितना है ये 8 टाइम्स है तो इक्वल्स टू 8 लिखो। ठीक है, तो ऐसा आपको इंटरप्रेट करके ये लिखना पड़ेगा। ओके, सो वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, सो दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8। ऑलराइट, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। राइट, नाउ लेट्स टेक द इक्वेशन ऑफ कर्व, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, सो कर्व्स इक्वेशन इज 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 6y का डेरिवेटिव इज 6 कोएफिशिएंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो 0। ओके, सो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2x अपॉन 6, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिविजन, ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा, सो dy बाई डी एक्स आ गया 1x/3, मतलब x/3। ठीक है, सो ये dy बाई डी एक्स आया अपने को x/3, इसको आप इक्वेशन 2 दो। ओके, नाउ सी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में ये dy बाई डी एक्स आया अपने को चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और यहाँ पर अपने को डेरिवेटिव ऑफ कर्व आया dy बाई डी एक्स, दोनों भी सेम है dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स, तो अपन राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, x/3 इक्वल्स टू 8 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 8 इंटू 3 इज 24। ओके, अपने को ये पॉइंट निकालना था तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को 24। नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन द कर्व्स इक्वेशन, तो कर्व का इक्वेशन क्या है 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, एक्स के जगह पे आप 24 डाल दो, सो 24 स्क्वायर इज 576, 576 प्लस 2 इज 578, ये 6 इधर था मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिविजन,
सो वाई हो जाएगा 578 डिवाइड बाई 6। ऑलराइट, सो ये 2 के टेबल में कट होएगा, 289 अपॉन 3 होएगा, तो वाई की वैल्यू आई 289 अपॉन 3। सो देयर फोर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देयर फोर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 24, 289 अपॉन 3। ऑलराइट, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ अगर आप पीछे से आंसर टैली करेंगे ना, तो यू वोंट गेट दिस आंसर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देर इज प्रिंटिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना पिछले साल भी था, तो यहाँ पे 6y = x³ होना चाहिए। अगर x³ रहेगा ना, सो वी विल गेट द डिजायर्ड आंसर एज पर द टेक्स्ट बुक। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी x² के बदले x³ करके आपको बताता। ओके, ऑलराइट, ये क्वेश्चन सेम रखे यहाँ पे ना, यहाँ पे x² को आपको x³ करना है। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये dy/dx = 8। कर्व्स इक्वेशन अपन लेंगे यहाँ पर, 6y = x³ + 2। ठीक है, स्क्वायर को अपन ने क्यूब कर दिए टू गेट द आंसर एज पर द टेक्स्ट बुक। डिफ्रेंशिएट करो इसको, 6y का डेरिवेटिव इज dy/dx, ये 3x². अभी आप यहाँ पे सिंपली dy/dx की वैल्यू पुट कर दो, 6 × 8 इज 6 × 8 = 3x², ये 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिविजन, 6 × 8 / 3, 3 1s are 6, 2s are, सो 2 × 8 is 16, x² = 16, सो x = +/-4। ठीक है, x की वैल्यू आई अपने को +/-4। अभी x की वैल्यू 4 और -4 आप कर्व के इक्वेशन में पुट कर दो, पहले आप 4 पुट करो और फिर -4 पुट करो। ठीक है, सो +4 पुट करेंगे आप, सो यू विल गेट y's वैल्यू एज 1, और -4 पुट करेंगे, सो यू विल गेट y's वैल्यू एज -31/3। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे 4, 11 एंड -4, -31/3। ऑल राइट, सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, बट सपोज यहाँ पे x² की जगह पे x³ हो जाता, सो यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे। ऑलराइट, ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द 8th क्वेश्चन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इज द सर्फेस एरिया इज इंक्रीजिंग वेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेरिकल सोप बबल, सोप बबल आपको पता है, बचपन में आपने वो साबुन के पानी से बबल्स बनाए रहेंगे, है ना? तो वो बबल्स है, उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा। ठीक है, छोटा बबल है, छोटा छोटा होके बड़ा बड़ा होएगा, है ना? तो छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो क्या होएगा, इसका रेडियस इंक्रीज होएगा। पहले छोटा था रेडियस, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो ये अपने को देख रहे हैं, इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेडियस इंक्रीज हो रहा, तो ये क्या देख रहे हैं अपने को, रेडियस को आप आर बोलो, तो चेंज इन रेडियस अपॉन चेंज इन टाइम देख रहे हैं, dr/dt देख रहे हैं अपने को कितना है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, अपने को क्वेश्चन में क्या पूछे, एट वॉट रेट इज द सर्फेस एरिया इज इंक्रीजिंग, सर्फेस एरिया क्या रेट से इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना है, तो सर्फेस एरिया को s कॉल करो, तो अपने को ds/dt फाइंड करना है। ओके, व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 है, तो टेक r = 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अपने को रेट रेट ऑफ एट वॉट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग पूछे, तो सरफेस एरिया से अपन स्टार्ट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता, आपने 9th-10th क्लास में पढ़े रहेंगे मेंसुरेशन में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4π r². ठीक है, सरफेस एरिया मतलब बाहर का पूरा एरिया, सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4π r². ओके, अभी सरफेस एरिया के बदले आप एस लिखो, s = 4π r². ऑलराइट, अभी अपने को ds/dt निकालना है ना, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा ds/dt = 4π, कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा 4π r². ठीक है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r, और r का डेरिवेटिव होगा dr/dt। ऑलराइट, dr/dt, नाउ 4π एज इट इज, 2 एज इट इज, आर आर क्या देकर है अपने को 5, सो पुट हियर 5, 2 × 5 × dr/dt भी अपने को देकर है, राइट, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड dr/dt,
सो डी आर अपॉन डी टी की जगह पे आप पुट करो 0.02। नाउ मल्टीप्लाइड, सी 2 × 5 इज 10, 10 × 0.02 ये पॉइंट सामने हो जाएगा, तो ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 × 4 इज 0.8 और 0.80, सो 0.80 पाई। ऑलराइट, सो डी एस बाई डी टी अपने को आया 0.80। ठीक है, तो अपने को जो निकालना था वो आ गया, एट वॉट रेट इज द सर्फेस एरिया इज इंक्रीजिंग, डी एस अपॉन डी टी आया अपने को 0.80। ऑलराइट, सॉरी 0.80 पाई। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका यूनिट लिखना मत भूलना, ये सर्फेस एरिया है ना, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता, करेक्ट, स्क्वायर में रहता, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, क्योंकि इसका रेडियस सेंटीमीटर में था, तो लिखो 0.80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या लेंगे आप, यहाँ पर सेकेंड है तो यहाँ पे भी सेकेंड लिख दो, सो 0.80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, आई होप इट इज क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज द सर्फेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बलून है, स्पेरिकल बलून, ठीक है, गोल रहता बलून, तो एक स्पेरिकल बलून है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका सर्फेस एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा। ठीक है, सो सर्फेस एरिया को अपन एस कॉल कर दे, तो यहाँ पे अपने को क्या देकर है, डी एस अपॉन डी टी देकर है, चेंज इन सर्फेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट मतलब टेक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो डी एस अपॉन डी टी देकर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अपने को पूछे एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम को वी कॉल करो, मतलब अपने को डी वी अपॉन डी टी निकालना है। ठीक है, और अपने को रेडियस ऑफ बलून 6 सेंटीमीटर देकर है, सो टेक आर एस 6 सेंटीमीटर। ओके, अभी सर्फेस एरिया से अपन स्टार्ट करते हैं, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो डी एस अपॉन डी टी आएगा अपने को। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से अपने को कुछ मिलेगा। ओके, सो डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो एस का होगा डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू 4 पाई कोएफिशिएंट एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2 आर एंड आर का डेरिवेटिव इज डी आर बाई डी टी। ओके, अभी डी एस बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो इक्वल्स टू 4 पाई 2 आर डी आर बाई डी टी। अभी डी आर बाई डी टी अपन फाइंड करते हैं, इसको आप यहाँ पर लेकर जाके डिनोमिनेटर में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 पाई × 2 आर। ऑलराइट, नाउ वी कैन कैंसिल 2 2, सो डी आर बाई डी टी आ गया 1 अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, आर की वैल्यू अभी पुट मत करो, करना है तो कर भी सकते, बट लेट इट बी एज इट, लेट द आर रिमेन्स एज इट इज फॉर नाउ। ओके, सो डी आर बाई डी टी इज 1 अपॉन 4 पाई आर। ऑलराइट, नाउ अपने को क्या फाइंड करना था, एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का क्या फॉर्मूला होता, वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बलून इज 4/3 πr³। ऑलराइट, वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बलून इज, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज 4/3 πr³। ठीक है, अपने को डी वी बाई डी टी निकालना है, सो डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 4/3 कोएफिशिएंट एज इट इज, पाई एज इट इज, आर क्यूब का होगा 3 आर स्क्वायर और आर का होगा डी आर बाई डी टी। ओके, अभी ये थ्री कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बचेगा 4 πr² और डी आर बाई डी टी आपने ऑलरेडी फाइंड किए 1 अपॉन 4 πr, सो डी आर बाई डी टी की जगह पे आप लिख दो 1 अपॉन 4 πr। ठीक है, अभी आप यहाँ से 4 4 कैंसिल कर सकते, पाई पाई कैंसिल कर सकते, और ये आर आर भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या बचा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे खाली आर बचा। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, सो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 6। ठीक है, नाउ डोंट, अभी डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं अपन, चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या यूनिट होता, क्यूब में रहता वॉल्यूम हमेशा, तो यहाँ पे आप लिखो 6, यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे आप लिखो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, यहाँ पे सेकेंड है तो यहाँ पे भी आप सेकेंड लिख दो, सो अवर आंसर इज डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑलराइट, सिंपल। ऑलराइट, नाउ लेट अस फाइनली लुक एट द फाइनल फाइनल प्रॉब्लम फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10।
If each side of an equilateral triangle increases at the rate of root 2 centimeter per second, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल इज सच अ ट्रायंगल वेयर ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल 60-60 रहता, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों भी साइड सेम रहती और एंगल सेम रहते उसको अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में है, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये साइड है ना, साइड को अपन एक्स कंसिडर किए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर साइड ना रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही, मतलब ये ट्रायंगल छोटा होएगा और फिर धीरे धीरे ऐसा बड़ा बड़ा हो रहा शायद, ओके। तो ये ट्रायंगल धीरे धीरे बड़ा हो रहा, तो इसकी जो साइड है ये इंक्रीज होएंगी, है ना, तो यही अपने को देकर है। तो इसको अपन क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपन ने साइड को एक्स लिए, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, तो साइड चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dx बाई dt अपने को देकर है, कितना है रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, इसका एरिया कैसा इंक्रीज हो रहा वो फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, एरिया को a कॉल करो, तो अपने को dA बाई dt फाइंड करना है। ऑल राइट, When its side of length is 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब एक्स 3 सेंटीमीटर है। ऑल राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। अपने को डी एक्स बाई डी टी देकर है, साइड ये रेट से इंक्रीज हो रहा है रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, साइड देकर है 3 सेंटीमीटर, अपने को रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया मतलब डी ए बाई डी टी निकालना है। ऑल राइट, सो एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लो, एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक स्पेशल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इनटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइड रहता है, यहाँ पे साइड क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, ओके, √3/4 इनटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ओके, डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि अपने को डी ए बाई डी टी निकालना है ना, तो डी ए बाई डी टी आ जाएगा, डी ए ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू √3/4 एज इट इज, कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी। ऑल राइट, अभी ये 2 1 जा 4 2 जा, तो ये √3/2 आया, एक्स एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो एक्स की जगह पे आप 3 पुट करो, और डी एक्स बाई डी टी अपने को क्वेश्चन में देकर था, डी एक्स बाई डी टी इज √2, तो डी एक्स बाई डी टी की जगह पे आप √2 पुट करो, ओके। अभी ये 3 को आप सामने लिख दो, तो डी ए बाई डी टी इज 3/2, ठीक है, ये √3 है और ये इंटू √2 है, तो अपने को पता है √a इंटू √b इज √a इंटू b, ठीक है, सो इसको आप कॉमन रूट में लिख दो, सो √3 इंटू 2 इज 6, तो ये √6 हो गया, ठीक है, सो 3/2 √6। अभी यूनिट क्या देना है अपने को, ये एरिया है, ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर में रहता हमेशा, ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर करो एरिया का, और टाइम के बदले क्या करेंगे आप, सेकेंड है तो यहाँ पे सेकेंड लिखो, ठीक है। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया दैट इज डी ए अपॉन डी टी इज 3/2 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।